Good morning. This is Anu from Go Green with Siddhis. Go Green with Siddhis welcomes you all. और आज मैं प्लांट ले रहा हूँ और प्लांट है ये है क्रेसुला ओबाटा. इसको क्रेसुला ओबाटा के नाम से भी जाना जाता है. और इसका नाम जो है कुछ लोग इसे लकी ट्री भी बोलते हैं, कुछ फ्रेंडशिप ट्री भी बोलते हैंगे, कई एक नामों से ही जाना जाता है, मनी ट्री के नाम से भी जाना जाता है. और ये जैसे मनी प्लांट हमारे यहाँ लगाया जाता है परिवारों में, बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है मनी प्लांट को. फेंगशुई के अकॉर्डिंग ये भी बहुत शुभ प्लांट हैगा क्रेसुला का. इसको कहते हैं कि इसे लगा लेते हैं तो ये पैसे को चुंबक की तरीके से खींचता है. इट्स अ मैग्नेटिक पावर टू अट्रैक्ट द मनी. इसको कहते हैं कि घर के एंट्रेंस के दाईं ओर लगाना चाहिए, राइट हैंड साइड में लगाते हैं तो बहुत शुभ फल देता हैगा. और इस पौधे को हम चाहे बाहर लगाएं या भीतर लगा लें, इंडोर में या आउटडोर में कहीं भी लगा सकते हैंगे. पर इसको बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, है ना, क्योंकि ज़्यादा धूप में रखते हैं तो ये पौधा ख़राब होने लगता है. इंडोर में ब्राइट सनलाइट में रखेंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा. ये सेमी शेड में बहुत अच्छा चलता है. ये मेरे पास कई सालों से चल रहा है पौधा, बहुत अच्छे से चल रहा है ये. और ये बहुत शुभ फलदायी तो है ही, मुझे ऐसा भी लगता भी हैगा कि मेरे पास जब से लगाया है तो आई एम गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई जीवन में. बेसिकली एक ये जो है सकुलेंट प्लांट है. तो जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं उनकी मिट्टी जो हम लोग रखते हैं वो वेल ड्रेन्ड सॉइल रखते हैंगे, मतलब जिसमें पानी ना रुके. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम आधा पार्ट इसमें लेते हैं सैंड का, जो रिवर सैंड होती है मोटी वाली जैसे बजर फुट बोलते हैं वो वाली, और आधा पार्ट हम उसमें से जो 50% बचा उसमें 25% रखते हैं बर्मी कंपोस्ट का. और थोड़ी सी हम उसमें गार्डन सॉइल डालते हैं और थोड़ा उसमें हम नीम खली ज़रूर डाल देते हैं जिससे कि किसी पौधे में फंगस ना लगे. अब इसकी ये तो सॉइल की बात हमने कर ली है. जब इस सॉइल में हम लगाते हैं पौधे को तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता हैगा. और देखिए मेरे पास कई सालों से चल रहा हैगा, तो इसी तरीके हम सॉइल रखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए. इसके बाद इसकी वाटरिंग की बात आती हैगी कि इसको वाटरिंग कितनी करें. कई दफ़े हम ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो पौधे ख़राब होने लगते हैंगे, या कम होती है तो भी ख़राब होने लगते हैंगे, क्योंकि हर प्लांट की ना अलग अलग खुराक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें पानी कम डालेंगे. जब इसकी जो सरफेस है, ऊपर सरफेस जो होती है ना ये वाली, ये देखिए, ये जब बिल्कुल ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे. पर क्योंकि अभी बहुत गीली है, मॉइस्ट हो रही है, तो मैं इसमें पानी नहीं डालूँगा अभी. दो तीन दिन में जो इसमें पानी नहीं डालना है. जब ये काफ़ी ड्राई हो जाएगी, वाइट वाइट जब ऊपर दिखने लगेगा तब मैं इसमें पानी डालूँगा. क्योंकि इसकी देखिए ये जो है तना है ये भी बहुत वाटरी हैगा, और पत्तियाँ देखिए बहुत मोटी हैं, ये इस प्रकार से बहुत मोटी पत्तियाँ हैं. तो इनको कम से कम हमें पानी डालना होता हैगा. और इन पत्तियों में स्प्रे भी नहीं करेंगे पानी का, क्योंकि उससे भी पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं. इसको किसी भी तरीके के हम उसमें लगा सकते हैं प्लांटर में. तो चाहे हम बड़ा प्लांटर ले लें चाहे छोटा ले लें, किसी में भी लगाएंगे तो ये आराम से चल जाता हैगा. पर हमें अकॉर्डिंगली ही लगाना है. ज़्यादा बड़ा प्लांट हैगा तो बड़े पॉट में लगाएंगे, और छोटा प्लांट है तो हम छोटे वाले पॉट में लगाएंगे. तो जैसे मेरा ये प्लांट हैगा अभी थोड़ा बड़ा हो रहा था, मैं इसको चेंज करने की सोच रहा हूँ. तो कुछ बड़ा पॉट लूँगा कोई अच्छा सुंदर सा, उसमें लगा दूँगा. और इसको लगाने से ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती हैगी, बहुत अच्छा प्लांट हैगा. जहाँ पे भी कोई निगेटिविटी आती है या कोई वास्तु दोष है, तो ऐसा मेरे अनुभव में भी आता है कि इसको लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है. क्योंकि पत्तियाँ इसकी मोटी हैं तो पानी हमें कम देना है. इसकी पत्तियों में ना ये हल्की सी लाली होती है, बिल्कुल टिप पर हल्की सी लाली आपको दिखाई पड़ेगी. इसके बाद जो है इसमें ना बहुत सुंदर फूल भी आते हैं, स्टारी फूल आते हैं वाइट और पिंक कलर के, और वो भी इसी टाइम में, यानी बसंत का टाइम चल रहा है अभी, ये इस टाइम में फूल आते हैं. जब प्लांट बड़ा हो जाता है उसमें आते हैं. मेरे यहाँ तो अभी नहीं आया किसी भी प्लांट में, बट मैंने देखा हैगा कि इसमें फूल आते हैं. तो मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ था कि इसमें फूल भी आते हैं. मैं तो समझ रहा था पत्तियों वाला ही पौधा आएगा, पर फूल भी इसमें आते हैंगे. कहते हैं जिस घर में पैसा नहीं रुकता है अगर वहाँ इसको लगाते हैं
तो पैसा ठहरना शुरू हो जाता है। मुझे भी लगता है कि ऐसा है। कई दफ़े ऐसा होता है कि प्लांट ना ओवर वाटरिंग से ख़राब होने लगता हैगा। तो अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है और पत्तियाँ श्रिंक हो रही हैं, तो किसी भी फंगिसाइड मिले पानी में उसको निकाल करके वॉश कर लीजिएगा और दोबारा रिपॉट करके सेम ही शेड में रखिएगा, तो आपका वो पौधा दोबारा से सर्वाइव कर जाएगा। अच्छा, फंगिसाइड ना हो तो घर में आप सभी के ज़्यादातर कई घरों में मिल जाती है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड होती हैगी, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड लेकर के और उसी को पानी मिला करके वॉश कर दीजिएगा, तो वो भी एक फंगिसाइड का काम करता हैगा। बाकी तो इसके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी बातें हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। प्लांट को ज़रूर लगाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। हैव अ गुड डे।